शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का और क्रिस्पी नाश्ता। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम तेल में ये बन जाता है और खाने में तो आप लाजवाब है। और जितना भी बनाएंगे वो भी आपका कम पड़ जाएगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इस नाश्ते को ज़्यादा बनाइएगा। और ये देखिए, तोड़ के मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा टेक्स्चर आता है। और मौसम भी अच्छा चल रहा है तो सॉस के साथ, चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और देखिए वीडियो में मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ता बनाने के लिए लिया है मैंने चने की दाल, जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। और प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया ये मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया के साथ बना रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं इस दाल को धो करके पीस लेती हूँ और जो घर में चीज़ें रखी हैं उन्हीं से हम नाश्ता बनाना है। अब चने की दाल को हम इसमें पीस लेते हैं। यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है। अब इसमें हम ये सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, अदरक है और प्याज है। प्याज ऑप्शनल है और कोई भी इसमें और आप डालना चाहते हैं तो मसाले ऐड कर सकते हैं। घर में रखे मसाले ही मैं इसमें लगा रही हूँ। कोरिएंडर पाउडर है, लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची भी डाली हुई है मैंने। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को जिस साइज में आप काटना चाहते हैं उसी साइज में काट लीजिए। लच्छेदार भी प्याज इसमें पसंद आती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बारीक कर दिए। और बहुत तरह के नाश्ते हैं, टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहूँगी आपको। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर न्यू है तो वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि बाकी आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और जो पुराने दोस्त हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करते जाइएगा। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और एक प्लेट में छोटे छोटे इसके हम वड़े बना लेंगे। इस साइज के हम इसमें वड़े बना लेंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। शेप हमने दे दी है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल डाल लिया है, इसको गर्म होने दें। और जो हमने ये वड़े बनाए थे इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना। अब थोड़े से सेट हो गए हैं, अब इनको पलट देते हैं बस, और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको सेकेंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते जाते अच्छा सा कमेंट करते हुए जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकना है। अभी भी इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है, ज़्यादा डार्क करेंगे तो कम अच्छा लगता है, ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी एक साइड से अभी थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हुआ है, इसको भी हम क्रिस्पी कर लेंगे। ये हमारी चना दाल वड़ा, चना दाल टिक्कियाँ रेडी हैं। इनके साथ सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, किसी भी टाइम में आप खा सकते हैं। और थोड़ा सा पेस्ट हम बचा के भी रख देते हैं, जब जितनी ज़रूरत है उतना ही बना लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही बनाया जाए। और आप इंस्टेंट दाल भी पी सकते हैं गर्म पानी में भिगो करके, तो फटाफट से ये नाश्ता रेडी हो जाएगा। खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, कम बनाते हैं तो और बनाना पड़ता है। हमारा नाश्ता रेडी है, इनको हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय कीजिए नाश्ते को। थैंक यू।